अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन में धागा डालने का सही तरीका। अगर आप धागा सही तरीके से नहीं डालते तो आपकी मशीन दाना देती है और धागा तोड़ती है। तो आज से मैं सिलाई और ओवरलॉक मशीन के मुकम्मल सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा और डेली स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी और उन वीडियो में सिलाई और ओवरलॉक के जितने भी फॉल्ट होते हैं उन फॉल्ट का आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं धागा डाल रहा हूँ आपने भी अपनी मशीन की सेटिंग इस तरीके से कर लेनी है। यहाँ पे मशीन ना तो दाना देती है और ना ही धागा तोड़ती है। बस ये बात का आपने खास ख्याल रखना है कि धागा ना ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए। और जो जो भी भाई सिलाई और ओवरलॉक मशीन का काम सीखना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि उनको आने वाली वीडियो आसानी से मिले।